राजस्थान के उच्च शिक्षा मंत्री आदरणीय श्री राजेंद्र यादव जी, इलाहाबाद उच्च न्यायालय के पूर्व मुख्य न्यायाधीश श्री गोविंद माथुर जी, पुलिस विश्वविद्यालय के कुलपति डॉक्टर आलोक त्रिपाठी जी, विश्वविद्यालय की प्रबंध मंडल व शैक्षणिक परिषद के माननीय सदस्यगण, आमंत्रित अतिथिगण, विभिन्न संकायों के अधिष्ठातागण, शिक्षकगण, विद्यार्थियों, उनके अभिभावकगण, भाइयों बहनों और पत्रकार मित्रों, सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय के इस दूसरे दीक्षांत समारोह में उपस्थित होकर मुझे अत्यंत प्रसन्नता की अनुभूति हो रही है। मैं इस पुनीत अवसर पर आप सभी को बधाई और शुभकामनाएं देता हूं। यह विश्वविद्यालय जिनके नाम से स्थापित है वह सरदार वल्लभ भाई पटेल राष्ट्रीय एकता के अग्रदूत और अखंड भारत के कुशल शिल्पी थे। आजादी आंदोलन में किसानों और युवाओं को जोड़ने के साथ ही उसे सुनियोजित गति देने का कार्य सरदार पटेल ने ही किया। उन्होंने ही राज्यों में बटे भारत को एक करने का भी अभूतपूर्व कार्य किया था। देश उस समय छोटी बड़ी 565 रियासतों में बटा हुआ था। इन सबका विलीनीकरण कर अखंड भारत का विश्वभर में अनूठा उदाहरण सरदार पटेल ने प्रस्तुत किया। मैं ये मानता हूं महात्मा गांधी ने सत्य अहिंसा पर आधारित जिस सत्याग्रह का मार्ग प्रशस्त किया उसको व्यवहार में लाने और उसके आधार पर देश भर की जनता को एकत्र करने का श्रेय किसी को है तो सरदार पटेल को है। आज दीक्षांत समारोह में उन्हें स्मरण करते हुए मैं उन्हें नमन करता हूं। मैं विश्वविद्यालयों के दीक्षांत समारोहों में प्रायः यह बात कहता रहा हूं कि दीक्षांत शिक्षा का अंत नहीं बल्कि विद्यार्थी जीवन का नया आरंभ है। यह वो समय होता है जब वह अपने अर्जित ज्ञान का उपयोग राष्ट्र और समाज के कल्याण के लिए करने के लिए तत्पर होते हैं। मैं आज इस दीक्षांत समारोह में उपाधि और पदक प्राप्त करने वाले विद्यार्थियों को बधाई देते हुए उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। विश्वविद्यालय हमारे यहाँ शिक्षा प्रदान करने की सर्वोच्च संस्था है। विश्वविद्यालयों को मैं ज्ञान के प्रकाश पुंज कहता हूं। यहां ऐसी शिक्षा मिलनी चाहिए जिसे निजी स्वार्थों से ऊपर उठकर विद्यार्थी विश्व बंधुत्व की भावना से जुड़े। यहां पढ़ाने वाले आचार्यों का यह बड़ा दायित्व है कि वे विद्यार्थियों में मानवीय मूल्यों के बीज बोएं, ऐसे संस्कार प्रदान करें जिससे विद्यार्थी केवल अपने लिए नहीं बल्कि अखिल विश्व को अपना परिवार मानते हुए जीवन के आदर्श मूल्यों से जुड़ सके। भारतीय संस्कृति वसुधैव कुटुंबकम पर ही आधारित है। विभिन्न संस्कृतियों और धर्मों से जुड़े हमारे देश में संकीर्णताओं का कोई स्थान नहीं है। इसलिए मैं चाहता हूं आचार विद्यार्थियों को अपने आचरण से जीवन व्यवहार की ऐसी शिक्षा प्रदान करें जिससे वे देश और समाज के उत्थान के लिए निरंतर कार्य कर सके। शिक्षा का उद्देश्य ही व्यक्ति को गढ़ना होता है। इसलिए शिक्षा केवल औपचारिक नहीं रहे बल्कि उसका संबंध विद्यार्थी के व्यक्तित्व निर्माण से भी हो। इसी से विद्यार्थियों में मौलिक सोचने की शक्ति
विकसित हो सकती है। आपका यह विश्वविद्यालय पुलिस व्यवस्था से जुड़े विशेषीकृत ज्ञान से जुड़ा है। यहां जो शिक्षा प्रदान की जाती है वह पुलिस प्रशिक्षण के विशेष उद्देश्य को ध्यान में रखकर दी जाती है। देश की आंतरिक सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने के साथ ही पुलिस की बड़ी भूमिका कानून एवं न्याय पालना करवाना भी होता है। इस दृष्टि से जरूरी है कि बदलते हुए समय संदर्भों में आपका विश्वविद्यालय उत्कृष्ट शिक्षा प्रदान करने का देश का बड़ा केंद्र बने। पुलिस विज्ञान, साइबर फॉरेंसिक, अपराध शास्त्र, अपराध न्याय, फॉरेंसिक विज्ञान, जोखिम प्रबंधन और संबद्ध विषयों का ज्ञान कराने वाले आपके विश्वविद्यालय के शिक्षकों से मेरी यह भी अपेक्षा है कि वे यहाँ पढ़ने वाले विद्यार्थियों को कौशल प्रशिक्षण के साथ मानवता का भी पाठ पढ़ाएं। दंड न्याय प्रणाली में सुविधा वंचित लोगों को कैसे अधिकाधिक लाभ पहुंचाया जा सकता है, इसे ध्यान में रखते हुए यहां शिक्षा प्रदान की जाए। कैसे महिला उत्पीड़न के प्रकरणों को रोका जा सकता है, कैसे कमजोर वर्ग को सहज न्याय प्रदान किया जा सकता है और कैसे शोषण मुक्ति के लिए बृहद स्तर पर कार्य हो सकता है, इस पर हमें विचार करने की जरूरत है। मैं ये मानता हूं पुलिस व्यवस्था के बेहतर प्रबंधन के साथ मानवतावादी पहलुओं को शिक्षा में शामिल कर यदि विश्वविद्यालय कार्य करता है तभी उसकी भविष्य में अधिक सार्थकता है। पुलिस का कार्य आम जन को सुरक्षा प्रदान करने के साथ ही अपराध मुक्त समाज का निर्माण करना है। इस संबंध में यह विश्वविद्यालय गुणवत्तापूर्ण शिक्षा और विभिन्न प्रशिक्षणों के साथ संस्कारों के निर्माण में भी निरंतर कार्य करें, मेरी यह अपेक्षा है। हमारे यहां पुलिस की छवि आज बहुत अच्छी नहीं है। आम व्यक्ति आज भी पुलिस के पास जाते हुए डरता है। इसके पीछे बड़ी वजह यह है कि ब्रिटिश काल से ही पुलिस की छवि हमारे यहां दमन करने वालों के रूप में प्रचारित रही है। देश जब आजाद नहीं हुआ था तब अंग्रेज पुलिस का उपयोग आम जन को पीड़ित करने, उनकी भावनाओं का दमन करने के लिए किया करती थी। पुलिस की वही छवि आज भी वैसी की वैसी चली आ रही। ऐसा नहीं है कि पुलिस अच्छा कार्य नहीं करती, परंतु ऐसे कार्य बहुत अधिक सामने नहीं आते। इस संबंध में मेरी यह अपेक्षा है कि पुलिस विश्वविद्यालय के जरिए पुलिसिंग की ऐसी भावी व्यवस्था पर कार्य किया जाए जिसमें पुलिस अपराध नियंत्रण के साथ आम नागरिक के मित्र के रूप में भी प्रचारित हो, नागरिकों के मन में पुलिस के प्रति सम्मान की भावना कैसे पैदा हो, इस संबंध में भी कार्य करने की जरूरत है। पुलिस विश्वविद्यालय के आचार्यों को चाहिए कि वे ऐसे भावी पुलिस अधिकारी और कर्मचारी तैयार करें जो आचार और व्यवहार में पुलिस के प्रति आम जन का विश्वास जीतने वाले हों। हमारे यहाँ आईपीसी और सीआरपीसी की जो धाराएं प्रचलित हैं वे आज भी अंग्रेजों के दौर की हैं। यह कानून उस समय बनाए गए थे जब अंग्रेज देश पर शासन करते थे और उनकी प्राथमिकता भारत के नागरिक नहीं थे, इसलिए इन कानूनों में आमूल चूल बदलाव की जरूरत है। इस संबंध में भी विश्वविद्यालय स्तर पर विचार कर आज के भारत के परिप्रेक्ष्य में पुलिस कानूनों की व्यावहारिकता पर शोध एवं अनुसंधान का कर निष्कर्ष दिए जाने की जरूरत है।
मैं यह मानता हूं कि हमारे विश्वविद्यालय लोकतंत्र की भावना के अनुरूप समानता के सिद्धांत के अनुसार उच्च शिक्षा के संवाहक है। उच्च शिक्षा का मूल प्रयोजन भी यही है कि विद्यार्थी जात धर्म समुदाय आदि की संकीर्णताओं से मुक्त होकर गुणवत्ता के आधार पर अपनी पहचान बनाए और राष्ट्र का मान बढ़ाए। संविधान हमारे देश का मार्गदर्शक ग्रंथ है। मैं इसे मानव अधिकारों का और कर्तव्यों का वैश्विक दस्तावेज मानता हूं। मानव अधिकारों की सुरक्षा की विश्वसनीय व्यवस्था कहीं पर है तो भारतीय संविधान में ही है। राष्ट्रपिता महात्मा गांधी ने कभी कहा था कि कर्तव्यों के हिमालय से ही अधिकारों की गंगा बहती है। भारतीय संविधान में प्रदत्त अधिकार और कर्तव्य को भी देश के हर नागरिक को इसी अर्थ में आत्मसात करने की जरूरत है। विश्वविद्यालय इसमें महत्वपूर्ण भूमिका का निर्वाह कर सकते हैं। मैं चाहता हूं हमारी नई पीढ़ी देश के भावी नागरिक संविधान के प्रति उच्च शिक्षा के दौरान ही जागरूक हों। इसलिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना का निर्णय हमने लिया है। मैं चाहता हूं हमारी नई पीढ़ी देश के भावी नागरिक संविधान के प्रति उच्च शिक्षा के दौरान ही जागरूक हो। इसीलिए प्रदेश के विश्वविद्यालयों में संविधान पार्क की स्थापना का निर्णय हमने किया है। सरदार पटेल पुलिस विश्वविद्यालय प्रदेश का पहला यहां देश का दूसरा पुलिस विश्वविद्यालय है। पुलिसिंग सुरक्षा और आपराधिक न्याय के क्षेत्र में अध्ययन और अनुसंधान में विश्वविद्यालय विभिन्न पाठ्यक्रमों के जरिए कार्य कर रहा है। यह सुखद है। मैं चाहता हूं पुलिस शिक्षा के अंतर्गत इससे जुड़े पेशेवर शिक्षाविद और युवा वर्ग लोकतांत्रिक जीवन के उच्चतम आदर्श स्थापित करने में भी आगे आए। विश्वविद्यालय राज्य पुलिस के साथ साथ केंद्रीय पुलिस संगठनों एवं विभिन्न कानून प्रवर्तन एजेंसियों के साथ मिलकर पुलिसिंग के विभिन्न अनुषंगों में आधारभूत शोध एवं नवाचारों के लिए कार्य करें। हमारे यहां कहा गया है सा विद्या या मुक्ते, अर्थात शिक्षा वह है जो व्यक्ति को बंधनों और ऋणों से मुक्त करती है। शिक्षा से जुड़े इस आलोक में आपका यह विश्वविद्यालय पुलिस एवं सुरक्षा के क्षेत्र में उभर रही विभिन्न चुनौतियों को दृष्टिगत रखते हुए पुलिस शिक्षा में उत्कृष्टता के नए मानदंड स्थापित करेगा, ऐसा मुझे विश्वास है। मैं शिक्षा के ज्ञानार्जन के साथ एक सांस्कृतिक प्रक्रिया मानता हूं। यह समाजीकरण का माध्यम, शक्ति का स्रोत और शोषण से मुक्ति का भी मार्ग है। विश्वविद्यालय को चाहिए राजा राममोहन राय, स्वामी विवेकानंद, रविन्द्रनाथ टैगोर, महात्मा गांधी, बाबा साहब भीमराव अंबेडकर और सरदार वल्लभ भाई पटेल के शिक्षा दर्शन व स्वतंत्रता आंदोलन के संकल्पों और अपेक्षाओं के अनुरूप शिक्षा के ढांचे एवं मूल्यों को आगे बढ़ाएं। शेष विश्वविद्यालय की पहचान वहां पर गुणवत्तापूर्ण एवं समाजोपयोगी शोध कार्य, नियमित एवं सार्थक अध्यापन कार्य तथा कुशल एवं उत्तरदायी प्रशासन तंत्र से होती है। इसके लिए विश्वविद्यालय के तीनों घटकों शिक्षक विद्यार्थी एवं अभिभावक को मिलकर कार्य करने की जरूरत है। पुलिस विश्वविद्यालय से मेरी अपेक्षा भी है कि वह अपने पाठ्यक्रमों को समय अनुकूल उपयोगी और अद्यतन बनाए, विद्यार्थियों को उचित परिवेश उपलब्ध कराए, साथ ही पुलिसिंग की विभिन्न विधाओं में शोध व अनुसंधान से जुड़े ऐसे मौलिक कार्य विश्वविद्यालय करें
जिससे इसकी विश्व भर में अलग पहचान बने। पुलिसिंग, आंतरिक सुरक्षा, साइबर सुरक्षा, फोरेंसिक साइंस आदि क्षेत्रों में शोध को अकादमिक गुणवत्ता और सामाजिक उपयोगिता दोनों दृष्टियों से प्रभावी बनाने की आज आवश्यकता है। देश में इस समय आंतरिक सुरक्षा से संबंधित नई चुनौतियां उभर रही हैं। साइबर और संगठित अपराधों के भी नए नए रूप सामने आ रहे हैं। इन चुनौतियों का सामना करने के लिए पुलिसिंग की नवीन रणनीतियों पर गंभीर चिंतन मनन आवश्यक है। साइबर तकनीक ने हमें बहुत से स्तरों पर लाभान्वित किया है, परंतु इसके कारण नई समस्याएं भी उत्पन्न हुई हैं। पुलिस कर्मियों को इस बारे में अद्यतन रखने के लिए विश्वविद्यालय को महत्वपूर्ण भूमिका निभानी चाहिए। मैं चाहता हूं विश्वविद्यालय के शिक्षक केवल पाठ्यक्रम पढ़ाने तक अपने को सीमित न रखें, बल्कि वे अधुनातन ज्ञान के लिए अनुशासन से भी विद्यार्थियों को निरंतर जोड़ें। पुलिस विश्वविद्यालय द्वारा प्रदत्त ज्ञान का सीधा संबंध आंतरिक सुरक्षा से ही नहीं है, बल्कि कानून और न्याय व्यवस्था से भी है। इसलिए जरूरी यह भी है कि समय संदर्भों में विद्यार्थियों और शिक्षकों के मध्य गुणवत्तापूर्ण संवाद भी निरंतर हो। आइए दीक्षांत समारोह के इस अवसर पर हम सभी मिलकर समन्वित प्रयासों से सरदार पटेल विश्वविद्यालय को पुलिस प्रबंधन और कानून एवं न्याय व्यवस्था से जुड़े ज्ञान का उत्कृष्ट केंद्र बनाने का संकल्प ले। आज जिन्हें उपाधि और पदक प्राप्त हुए हैं, उन सभी विद्यार्थियों, उनके माता पिता और विभागों को मेरी पुनः बधाई और शुभकामनाएं। धन्यवाद। जय हिंद।